This is Meena Bain. She's 26 years old and a mother of two. Her husband was in a terrible accident and has been unable to provide for the family. Meena Bain joined the Skill Development Workshop run by Gujarat Fluorochemicals Limited to learn stitching garments. She now has a setup of her own to survive the hard times. यहाँ पर 6 महीने हो गए हैं रंजीत नगर में ट्रेनिंग देते हुए मैंने 80 लोगों को सिखा दिया है। हमारे सेंटर में 10 मशीन है और 11वां एम्ब्रॉयडरी मशीन है। ऐसी 10 से 11 बहनें हैं जो अपना व्यवसाय शुरू कर रही है घर पर। मैं कहना चाहूँगी बहनों को कि अपने पैर पर खड़े रहो, इधर आके कुछ सीख लो तो अपना व्यवसाय घर जाके शुरू कर सकते हो। कहीं पे उनको कामगिरी शुरू करनी हो, कहीं कंपनी में जाना हो तो मैं उन लोग को यही बोलना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े, इधर से सिलाई काम सीख के आगे बढ़े। हमारे गांव से कुछ लड़कियां यहाँ सीखने आती थी, उन्होंने हमें बताया। 12 लड़कियां आती है और पहली बेंच में आती थी वो 10 सीख के गई हैं। अनीता मैम है हमारे टीचर, वो बहुत अच्छी तरह से सिखाती है, समझाती है हमें। हमें एक बार समझ में नहीं आता तो वो बार बार बताती है। मारू नाम साधना बेन है। हूँ 3 महीना थी हूँ अँ सीवन क्लास सीखवा माटे आऊँ छू। नीता मैडम सारू सीखवाड़े छे अने मारी जोड़े मशीन नथी, नहीं तो हूँ आगळ कई करी शकुं छू। Along with enabling the rural women population of Ranjit Nagar make a living, GFL has also been providing free primary health services in 4 villages in the close proximity of its plant in Ranjit Nagar. MHU हमारे यहाँ पे start December 2015 से हुआ था। हमारा first initiative Ranjit Nagar गांव में हुआ था, जो 30 December को हुआ था। यहाँ पे हमें फर्स्ट डे ही बहुत सारा रिस्पांस अच्छा मिला था। हमारी प्रोसेस ऐसी है कि फर्स्ट डे जब पेशेंट आता है तो हमारा ड्राइवर कम सोशल मोबिलाइजर है यहाँ पे, वहाँ उनके पास जाता है, वहाँ पे हम उनका पूरा नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं, उनकी उम्र लिखते हैं, फिर हमारे पास एक फ्लोराइड का एक पूरा फॉर्म है, उसको हम फिलअप करते हैं कि उनको कुछ उसके लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टर उसका पूरा बैकग्राउंड सब पूछता है, फिर उनको जो मेडिकल्स प्रॉब्लम होते हैं उसके रिलेटेड वो मेडिसिन है वो सब दिखता है, फिर वो उनका काउंसलिंग भी करता है जब उनको लगे कि भाई उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद जो पेशेंट होता है वो फार्मासिस्ट के पास जाता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट उनको दवाई देती है, फिर उनको समझाती भी है कि तुम्हें दवा कैसे लेनी है, क्या लेनी है। ये यहाँ पर रंजीत नगर, नाथकुआ, जीतपुरा और कंकोड़ा कुछ 4 विलेजेस में जाते हैं। यहाँ पर हम हफ्ते में एक गांव में एक दिन दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे 4 दिन होता है हमारा, एंड देन वी डू अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अगर जैसे मैंने आज मंडे को देखा है यहाँ पे, सपोज़ हम आ रहे हैं रंजीत नगर में या कहीं पे, तो उसको हम एक हफ्ते के फॉलोअप पे देखते हैं। और आई यूज़ टू टेल देम कि आप नेक्स्ट बार वापस आइए तो मुझे पता चले कि आप इम्प्रूव हुए कि नहीं हुए। મારું નામ કાંતિલાલ કાભાઈ છે, મારે લગભગ 60 વર્ષથી ડાયાબિટીસ છે, તો મારે હાલોલ ઘોઘમમાં બધે જવું પડતું હતું અને સોમવારે મંગળવારે અહીં આપણે ડૉક્ટર આવે તેની પાસે હું ચેક કરાવું છું અને રંજીતનગર આપણે ફ્લોરા તરફથી આપણે ફ્લોરા તરફથી ગાડી આવે છે તો સુવિધા સારી મળે છે અમારા બાળવા ગામમાં।